Good morning, students of class 10. Today we will deal one more chapter of English literature of first grade book, and the chapter name is Glimpse of India, a baker from Goa. Excuse me. That means कि आज जो chapter में deal करेंगे ये first grade की book की है. Glimpse of India first part, इसमें तीन part है. So आज हम लोग first part देखेंगे, and the first part is about a glimpse, a baker from Goa. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज आप इस चैप्टर को फिर से गो थ्रू करें एंड अपने डाउट्स को क्लियर करें. इजंट इट नाउ, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर समरी. चैप्टर सेज दिस लेसन इज अ पेन पोट्री ऑफ अ ट्रेडिशनल गांव विलेज बेकर दैट स्टिल हैज अन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन हिज वैक्सिनिटी. That means कि ये chapter एक pen pottery है. Pen pottery means जो हम लोग pen से draw करके जो drawings around बनाते हैं. It is about the गाँव, and it is about the गाँव, कहाँ के गाँव के बारे में. It is a गाँव place, village of a Goa, and there how they are making a bricks thing and all. ठीक है, bricks thing means कैसे से मट्टी के सामान and all बनते हैं वैसे, बट हम लोग उससे डील नहीं करेंगे, हम लोग वहां के बेकर्स से डील करेंगे. गोवा इज अ प्लेस विच हैज अ वेरीड कल्चर ऑफ फ्रांस, इंग्लिश एंड पोर्चुगीज. एंड उस प्लेस में जनरली फ्रांस, इंग्लिश और पोर्चुगीज इंसान रहते थे गोवा में. हियर इन दिस लेसन द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ विलेज हैकर रिमाइंड अस द ओल्ड पोर्चुगल डेज. ओल्ड पोर्चुगीज, पुराने जमाने के पोर्चुगीज के बारे में हम लोग जानेंगे. The breakers comes with a jingle jingle sound, a sound of his bamboo stiff. Means the breakers जो आते थे वो वहां पर जिंगल जिंगल साउंड करके आते थे, एक साउंड बना के आते थे, एंड अपने ब्रेड्स को बेचने आते थे. His one hand supports the basket on his head and the other hand the bamboo on the ground. That means what? आप कभी देखे होंगे आपके घर के पास जब हॉकर्स आते हैं किसी भी तरह का सामान बेचने, सो वो अपने सर पे अगर लेते हैं तो एक हाथ से उसको पकड़ते हैं सर पे और एक हाथ से उस स्टैंड को पकड़ते हैं. तो उसी तरह से बास्केट को वो अपने सर पे लेके आते हैं और हैंड में वो बाम्बू के वो हैंड में लेके आते हैं. द बेकर्स प्लेसेस द बास्केट एंड द इम्प्लोरिंग चिल्ड्रन सराउंड देम टू look into the basket that varies of eatables he carries. And then what happens, children जब भी वो अपने jingle jingle आवाज करके आते हैं तो किस तरह से वहां पे सारे जो बच्चे हैं वहां निकल आते हैं और किस तरह से बहुत खुश होते हैं उस बेकर्स को देख के, वो उन्हें बहुत तरह के ब्रेड्स एंड ऑल, ब्रेड से बने चीजें उन्हें खाने को वो देगा. They buy the loaves and even eat without brushing. And what they used to do, children की आदत क्या होती है, जब उन्हें कोई अच्छा चीज मिलता है so they forgot कि उन्हें ब्रश भी करना है and all, and they start eating like that. तो वो भी जो बच्चे हैं they also forgot to do their brush and all in the morning hours and they start eat the loops of bread. ठीक है, ब्रेड्स के पीसेस, loops of bread means ब्रेड के पीसेस को खाना स्टार्ट कर देते हैं. The sellers are so importantly intertwined with the social custom with Goan people that their presence is inevitable. ठीक है, जो sellers है उस प्लेस के इतने socially way में आते हैं, इतने अच्छे friendly way में आते हैं कि वहां के जो persons है वो भी automatic उसे influence होके bread लेने में involve हो जाता है. Marriage gifts are meaningless without the sweet bread called bowl. Wow. And in Goa, it is famous that किसी की भी शादी हो रही है तो वहां पर आप gifts and all दो, लेकिन उस gifts में वहां की जो bread, common bread है जिसे हम लोग कहते हैं bowl, वो common है. अगर वो नहीं दोगे तो तो वो complete नहीं है. जो gift आप दे रहे हो वो complete नहीं है. Cakes and boli hats are the most फॉर फेस्टिवल. केक्स एंड एक बोली हैट्स करके एक ब्रेड आती है, इट्स वेरी कॉमन फॉर द फेस्टिवल. देयर पिक्यूलियर ड्रेस इज नॉन एज खबाई एज दे देमसेल्फ आर नॉन एज पाडर. एंड देयर वो जो ड्रेस पहनते हैं लाइक वो खाकी की तरह होता है, लाइक कुर्ता पैजामा ही खाकी वे में, जिसे वहां पर कबाई कहते हैं. इट्स वेरी कॉमन विद इन द सेलर्स जो सेल करते हैं ब्रेड. दे हैज अ जॉयफुल लाइफ एज दे अर्न profitable well. And
ब्रेड सेलर दे आर वेरी हैप्पी एंड दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ बिकॉज उनकी ब्रेड्स बहुत सेल होती है एंड दे आर प्रॉफिटेबली प्रॉफिटेबल टू देम मींस उन्हें उनसे प्रॉफिट भी होता है. देयर प्लम्स फिजिक्यू इज द टेस्टिमेंटल टू देम. दैट मींस द फिजिकल वर्क दे यूज टू डू फिजिकल वर्क इन द सेंस जो वो ब्रेड बनाने में जो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ लगाते हैं इट्स वेरी टेस्टिमेंटल. दैट मींस कि वो उनके ब्रेड से पता चलता है कि इट्स वेरी टेस्टफुल एंड इट्स वेरी यूजफुल टू देम एंड इट्स वेरी मींस बच्चे भी उसे बहुत चाव से लेते हैं एंड दे यूज द ब्रेड टू ईट प्रॉपरली. दिस इज अबाउट द चैप्टर ऑफ ग्लिम्स ऑफ ग्लिम्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट पार्ट इज अ बेकर ऑफ इंडिया. दैट मीन्स इसमें आपको क्विक रिविजन में यही ध्यान में रखना है कि द ब्रेड बेकर्स इज फ्रॉम गोवा एंड गोवा इज जनरली अ फाउंड ऑफ पोर्चुगीज पीपल. ट्रेडिशनल उनकी फैमिली वर्क क्या थी वहां के इंसानों की ट्रेडिशनल वर्क क्या थी. ट्रेडिशनल मतलब जो पूर्वज की तरफ से चली आ रही है दैट इज बेकिंग पार्ट बेकिंग ब्रेड एंड ऑल. एंड देन चाइल्डहुड सिचुएशन को यहाँ पर राइटर ने डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरह से चाइल्डहुड बच्चे ये काम करते हैं एंड देन किस तरह से वो बेकर अपने सर पे उसको लेके आता है ब्रेड को एंड मैंने एक हाथ में बैम्बू लेके आता है विद जिंगलिंग साउंड एक जिंगल साउंड भी निकालता है एंड हाउ दे यूज टू सेल दैट ब्रेड. एंड वहां पर एक स्वीट ब्रेड था दैट इज कॉमन इन द मैरिज गिफ्ट एंड ऑल दैट इज नोन एज बॉल. अंडरस्टूड. सो दिस चैप्टर डील विद दिस ओनली. सो प्लीज गो थ्रू द चैप्टर एंड कंप्लीट योर वर्क. Read it properly, first part of the chapter. Thank you, student.